अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ पिज्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सोचा कि पिज़्ज़ा से पहले उसकी सॉस को हम आपको बना के दिखा दें कि उसका सॉस किस तरह से बनता है। तो चलिए आइए बताते हैं कि पिज़्ज़ा का सॉस कैसे बनाते हैं, जिसे आप पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं और पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं, चाउमीन में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि सॉस किस तरह से बनता है। सबसे पहले तो आप एक कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई में आप 1 टेबल स्पून तेल डाल दीजिए। और उसे देखिए, हमने पतली पतली प्याज उसमें चॉप कर ली है, उसमें प्याज, थोड़ा सा लहसुन जिसे मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, और आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा और 1 टेबल स्पून चीनी डालिएगा। चलिए सबसे पहले तेल में हम ये प्याज जो मैंने महीन महीन चॉप की थी उसे हम इसमें हल्का सा सौते कर देते हैं। देखिए हमने इसे हल्का सौते कर लिया है। अब आप इसमें ये लहसुन जो हमने छोटी छोटी चॉप की थी उसे आप थोड़ा सा डाल के उसे भी आप सौते कर दीजिए इस तरह से। ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए कीजिएगा। देखिए ये हल्के हमने इसे सौते कर दिया। अब इसमें आप ये टमाटो का प्यूरी डाल दीजिए। ये प्यूरी आप घर पे भी बना सकते हैं, या आप इसे बॉईल करके इसको इसका बीज और छिलका निकाल के इसे छन्नी से छान भी सकते हैं, और अगर आपकी ख्वाहिश है तो डायरेक्ट भी इसी तरह मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें डाल पीस सकते हैं। गया। अब आप इसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाल दीजिए और 1 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए। वन टेबल स्पून इसमें आप विनेगर भी डालिएगा। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के इसका आप पानी अच्छी तरह से सुखा दीजिएगा। ये बिल्कुल गीला है, अगर पिज्जा के बेस को लगेगा तो बेस पूरा गीला हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से सुखा दीजिए। देखिए हमारा ये सॉस रेडी हो रहा है। जब तक हम पिज्जा का बेस तैयार कर देते हैं, आइए हम दिखाते हैं। ये देखिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, 500 ग्राम मैदा है, और इसमें आप 5 टेबल स्पून आप इसमें दही मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट मिक्स कीजिएगा। ये देखिए बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून है और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है। इसमें आप 2 टेबल स्पून तेल मिक्स करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर और भी जरूरत है तो इसमें तेल आप मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स करने के बाद आप इसे डो में मिला दीजिएगा। जैसे ये मिक्स हो गया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ऐसे आप इसमें मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसे हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मिला लीजिए सारे इंग्रेडिएंट को इसमें। अब इसको हम आटे को मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। इसका डो थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा। देखिए मेरा डो रेडी हो चुका है, बिल्कुल देखिए सॉफ्ट है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम आपको पिज्जा की सब्जी दिखाते हैं, क्या क्या सब्जी उसमें पड़ती है। हो चुका है
हम इसे आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देते हैं और पिज्जा के हम फिलिंग की सब्जी तैयार करते हैं। ये हम सब्जी इसकी काट रहे हैं, कैप्सिकम है, की सब्जी कैसे बनाते हैं और क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट यूज होता है। सबसे पहले तो आप एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें 3 टेबल स्पून आप तेल डालिएगा, ज्यादा तेल मत लीजिएगा। और उसमें देखिए हमने ये पतली पतली प्याज चॉप की है, इसे आप उसमें डाल दीजिए। हल्की हल्की प्याज इसमें हमने डाल दी है, हल्का सा हो जाएगा। इसे हम फिर आगे इसमें और भी वेजिटेबल मिक्स करेंगे। चलिए देखिए इसमें हमने प्याज जो डाला था हल्का लाइट गोल्डन कलर का हो गया, इसे हल्का सा सौते कीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा, देख सकते हैं। अब इसमें हम कैप्सिकम डाल देते हैं। ये कैप्सिकम जिसको हमने छोटे छोटे चॉप कर लिया है, इसको भी आप हल्का ही सौते कीजिएगा। इस तरह से आप देखिए इसमें हमने कैप्सिकम डाल दिया है, उसे भी हम हल्का सौते कर दिया। अब इसमें आप देखिए हमने टमाटो की इस तरह काटा है बड़े बड़े पीस में, आप भी इसी तरह काटिएगा। उसके बाद इसमें टमाटो मिक्स कर दीजिएगा। देखिए ये हम कॉर्न को हमने 250 ग्राम कॉर्न लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके इसे बॉयल कर दिया ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। उसके बाद इसका पानी हमने सब छान लिया था। इसके बाद ये आप कॉर्न मिक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आप सॉल्ट डाल दीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। इसे हल्के आप सौते कर लीजिएगा। तो फिर बाद में हम आपको दिखाएंगे पिज्जा किस तरह से बनता है। हमने सोचा कि पिज्जा आप घर ही पे बना के क्यों नहीं खाएं, बाहर का वेट क्यों करना, आधे घंटे में पिज्जा आपका घर से रेडी हो जाता है। बहुत इजी प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये हल्का हमने सौते कर लिया है। अब इसका हम बेस तैयार करके आपको बताते हैं कि किस तरह से पिज्जा बनता है। जो डो तैयार किया था, सबसे पहले तो आप इसे हाथों की हेल्प से बेल लीजिए, उसके बाद आप इसे एक पैन में डाल लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप इसे डाल के इसे कवर कर दीजिए। फ्लेम मीडियम रखिएगा, हाई मत कीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे का आपको बताएंगे। इसे फूलने भी लगा है, आप देख सकते हैं। और इसके पीछे का हम देखते हैं, इसके पीछे का देखिए, इसके पीछे का भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसे इस तरह से पलट दीजिए, पलट कर आप ये जो मैंने ये जो सॉस है इसे इस पे लगा दीजिए इस तरीके से, अच्छे तरीके से इस पे सॉस लगा दीजिएगा। सब्जी हमने तैयार की थी इसे आप डाल दीजिए। इस तरीके से और ये मोज़रेला चीज़ देखिए इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए। चीज अब जितना ज्यादा डालेंगे उतना अच्छा रहेगा।
बाद इसे आप फ्लेम को लो कर दीजिए, ऐसे कवर कर दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपका पिज्जा रेडी है। रेडी हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ये पिज्जा तैयार हुआ। फिर हम आपको दिखाते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए ये पिज्जा हम देख लेंगे, ये सारा इसमें का चीज मेल्ट हो चुका है। ये पीछे का हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये पीछे भी रेडी हो चुका है अच्छी तरीके से। यानी पिज्जा होगा 15 मिनट में पिज्जा रेडी हो गया। देखिए ये पिज्जा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको काट के दिखाते हैं इसको, इसका चीज कितना मेल्ट अच्छे तरीके से हो गया, कितने अच्छे तरीके से ये पक चुका है। देखिए कितना जूसी और कितना यम देखने ही मिला। ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये पिज्जा कंप्लीट हुआ है। देखिए आप इसे टेस्ट करके देखिएगा कितना अच्छा हुआ है। सो गाइज, आपको कैसा लगा मेरा पिज्जा का रेसिपी? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और खुश रहिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। खुश रहिए और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखिए। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़।